अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ एक न्यू कंटेंट शेयर करने के लिए जा रही हूँ। मुझे यकीन है मेरी तमाम बहनें जो कि इन मसाइल की वजह से परेशान हैं, वो तमाम जो है ना उनके मसाइल वो हल हो जाए। ये ऑलमोस्ट मेरी सेकंड लास्ट वीडियो है जो मैंने शेयर की थी अपने व्यूअर्स के साथ, अपनी बहनों के साथ। और इस दफा भी मैं चाह रही थी, क्योंकि मुझे एक अच्छा रिस्पांस मिला था अपनी बहनों की तरफ से, तो मैं चाह रही थी कि अगर मुझे इन चीजों से बेनिफिट हुआ है तो मैं अपनी तमाम बहनों को भी बताऊं और वो भी इन चीजों से फायदा उठाएं। फर्स्टली जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूं वो है जी गार्नियर का स्किन एक्टिव विटामिन सी नाइट सीरम। और इसके जो बेनिफिट्स हैं, असल में मेरा इससे रैपर जो है वो गुम चुका है, लेकिन ये है कि मैं आपको इसकी ये सारी चीजें जो है ना, आप लोग इसको स्कैन भी कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, ना कि ये लोकल प्रोडक्ट है। और वैसे भी ये जो पाकिस्तान में आपको मिल रही हैं ये गार्नियर की चीजें, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल के मुताबिक वो प्योर नहीं है, लेकिन ये मैंने बाहर से जो है ना इसको इम्पोर्ट किया है, इसलिए मुझे पता है कि ये जो है ना एक अच्छी प्रोडक्ट है। और आप लोग इस जो है सीरम को यूज करेंगे तो आप लोग जो है ना याद करेंगे कि आप लोगों की बहन ने आप लोगों के साथ एक अच्छा सा जो है ना वो सीरम शेयर किया। ये देखें ना, अब मुझे पाकिस्तानी प्रोडक्ट का नहीं पता कि उसमें जो इसका कलर है वो इस तरह का शो हो भी रहा होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने उसको कभी यूज नहीं किया। तो मैं चाह रही थी कि इसने मुझे इतना ज्यादा बेनिफिट दिया, इससे मेरी जितनी भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी ये सारी की सारी जो है ना ये रिजॉल्व हो गई है। मैं आपके सामने इसको लगा के दिखाऊंगी और आप लोग देखिएगा। आप लोगों ने इसको डेली रात को लगाना है और इसको आप लोगों ने फिर छोड़ देना है और फिर आपने देखना है कि इसके आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि मुझे तो इसने इसकी स्मेल भी इतनी खूबसूरत है, इस टाइम मैं लगा रही हूं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन यह है कि अगर आप लोगों को ये बिल्कुल अर्ली स्टेज है ना पिगमेंटेशन वगैरह की, ये मलाजमा की, तो आप लोग काइंडली डॉक्टर्स के पास भागने के बजाय, क्योंकि मुझे पता है कि डॉक्टर्स जो है ना वो आप लोगों को सिर्फ यही कहते हैं कि आप लोग जो है ये मेडिसिन यूज कर लें, आप लोग ये क्रीम लगा लें। क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम रहा है तो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स को भी, मैं तो डॉक्टर के पास 3-4 माह गई थी तो मुझे इतनी ज्यादा इस चीज ने डिस्टरबेंस दी थी कि मैंने छोड़ दिया। और वैसे भी डॉक्टर्स आप लोगों को साथ में मेडिसिन भी देते हैं, आप लोगों को क्रीम्स भी देते हैं, उसके अलावा सनस्क्रीन भी दे देते हैं, उसके अलावा आप लोगों के मुख्तलिफ लवाजमात होते हैं। खवातीन परेशान होती हैं डॉक्टर्स के पास, खासतौर पर डर्मा का जितना भी है ये प्रोडक्ट्स वगैरह, ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये मैं आपके सामने इस टाइम ऑर्गेनिक ट्रेवलर का दिखा रही हूँ आपको, ग्लो SPF जी सनस्क्रीन, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की शुरू से आप लोग जो भी यूज करते हो सनस्क्रीन, काइंडली आप लोग वही यूज करें। मेरे कहने पे जरूरी नहीं है कि आपने ये वाला ही सनस्क्रीन यूज करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को इसको वैसे दिखा भी देती हूँ, इसका आप लोगों की स्किन के ऊपर आपको महसूस ही नहीं होगा कि यार आपने लगाया था। मैं तो इसको अभी थोड़ी देर ही हुई है इसको यूज करते हुए, लेकिन मुझे ये बहुत ही ज्यादा जो है ना अच्छा लगा है। और वैसे भी इसने मुझे एक अच्छा सा इफेक्ट दिया है, ये देख सकते हैं आप लोग, आप लोगों के सामने ये मैं यूज कर रही हूं। पहले इसके नीचे आप लोग जो है ना लगा लिया करें किसी भी किस्म का मॉइस्चराइजर, अगर आपकी ज्यादा स्किन ड्राई है, नहीं तो आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा आप लोगों को इफेक्ट देगा। तो और दूसरी बात ये कि जितनी भी मेरी बहनें एक अर्ली स्टेज के ऊपर है, आप लोगों को पता है कि पिगमेंटेशन हो जाती है, मलाजमा हो जाता है, तो हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनके इतने इतने जो है ना मुश्किल और कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं कि आप लोग जो है ना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन ये आप लोग सारी जितने भी मैं आप लोगों के सामने चीजें दिखा रही हूं ना, ये आप लोगों की अफोर्डेबल है, वैसे भी लॉन्ग लास्टिंग है, ऑलमोस्ट 3-3 मंथ्स 4-4 मंथ्स जो है ना आप लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज करो और आप लोगों का सुकून से जो है ना एक 4,000-5,000 लगाया हो तो सुकून से आप लोगों का जो है ना टाइम गुजर जाता है। तो दूसरी बात ये जो मैं अपनी व्यूअर्स के साथ डिस्कस करना चाह रही थी वो ये है,
कि ये सनस्क्रीन आप लोग काइंडली जरूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इससे जो है ना बाहर की जो धूप जिसकी वजह से हमारी जो है ना वो स्किन जल जाती है, हम लोग परेशान होते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये इसी वजह से है। हम लोग खाना बनाते हुए भी नहीं इनको लगाते, और उसके अलावा हम लोग कहते हैं यार घर के अंदर हमें किस चीज की जरूरत है। नहीं, आप लोगों ने इन चीजों को आप बिल्कुल भी नहीं करना कि धूप निकली या नहीं निकली। आपने काइंडली ये हर किसी बहन ने ये जो सनस्क्रीन है इसको जरूर यूज करना है। और ये दूसरा मैं आपके सामने ये जो प्रोडक्ट शेयर करने के लिए जा रही हूँ, ये वाइटामिन सी का सीरम है, और आप लोगों को ये देख लें आप लोगों के सामने इसके जो है ना उन्होंने बताया हुआ है कि ये किस किस पर्पस के लिए है। और दूसरा ये कि जब आप लोग इसको यूज करेंगे आपके डार्क स्पॉट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, पिगमेंटेशन आपकी खत्म हो जाएगी, और इवन के आप लोगों को अगर किसी भी हवाले से कोई भी मुलाजमा या कह सकते हैं कि आप लोगों के जो मुलाजमा के जितने भी पेशेंट्स हैं ना, आप लोगों ने सबने नोट किया होगा कि वो अजीब से वो पैचेस नुमा ये दाग नुमा बन जाते हैं जो कि खत्म नहीं होने का नाम ले रहे होते हैं। और जितना मर्जी आप लोग डॉक्टर के पीछे भागेंगे ना, तो मुझे यकीन है कि वो आप लोग जब डॉक्टर की मेडिसिन छोड़ देते हैं तो उसके बाद आप लोगों को फिर यही जो है ना मसाइल का सामना करना पड़ता है। और वैसे भी डॉक्टर्स के पास हम जाएंगे ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स का ट्रीटमेंट करवाएंगे तो फिर बाद में हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने भी 3 माह का ट्रीटमेंट लिया था उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। तो अभी भी जो है ना मैं आप सबको यही कहूंगी कि आप लोग जो है ना कोशिश करें डॉक्टर्स से परहेज करें, और अगर आपकी अर्ली स्टेज है तो आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और वैसे भी जो बहनें धूप में ज्यादा काम करती हैं वो काइंडली सनस्क्रीन, उसके बाद जो है ना ये दूसरे ये आप लोग जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। सनस्क्रीन को लगाने से पहले आप लोग इसको लगा लेंगे ना तो आप लोगों को एक अच्छे से रिजल्ट्स जो है ना ये देगा, क्योंकि मैं इस चीज को यूज कर चुकी हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया इसको यूज करते हुए। तो मैं चाहती थी कि मेरे तमाम व्यूअर्स भी जो है ना इस चीज को इस्तेमाल करें, और जितनी मेरी बहनें परेशान हैं वो अपनी परेशानी से जो है ना वो निजात पाएं। मैं अपने व्यूअर्स को ये वाली जो विटामिन सी का सीरम है ये ऑर्गेनिक ट्रेवलर्स का मैंने यूज किया। पहले तो मैंने आपके सामने लास्ट टाइम जो वीडियो शेयर की थी वो भी आप लोग देख सकते हैं, वो दो मुख्तलिफ सीरम्स थे, एक द ऑर्डिनरी का सीरम था और साथ में एक वो नेचुरल वालों का जो है ना वो सीरम था, और उसने भी मुझे बेहद अच्छा जो है ना वो रिजल्ट दिया। तो मैं ये आप लोगों को बेसिकली समझाना चाह रही थी कि अगर आप लोगों के साथ कोई भी फायदा आप लोगों को अपनी स्किन के रिलेटेड होता है तो किसी को काइंडली बता दिया करें कि भाई हम लोगों को इस चीज ने बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दिया, क्योंकि आजकल हवातीन जो हैं वो इन मसलों का बेहद शिकार हैं। आजकल कुछ हमारी खुराकों का असर है और कुछ जो है ना ये हम लोग अपनी स्किन की इतनी परवाह नहीं करते। और वैसे भी जब हम 30 के राउंड अबाउट होते हैं या 30 से ऊपर हो जाते हैं फिर भी हम कह रहे थे यार हमारी कौन सी अभी उम्र भी है, हम लोग को स्किन केयर नहीं करनी चाहिए। आजकल 20 साल के बाद जो है ना इंसान को वैसे ही अपनी स्किन केयर करनी चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ एनवायरमेंट ऐसा है कि हम लोगों को जो है ना वो सुकून नहीं है अपनी स्किन के हवाले से। तो मैं अपनी तमाम बहनों को यही कहूंगी कि ये तमाम प्रोडक्ट्स वो हैं जो आप लोगों की रेंज में भी हैं और रीजनेबल भी हैं, और वैसे भी अगर आपकी अर्ली स्टेज है तो उसके लिए बेहद बेनिफिशियल है। तो काइंडली आप लोग जो है ना इन तमाम चीजों के ऊपर जो है ना गौर व फिक्र करें और अपनी सेहत का हासन ख्याल रखें, क्योंकि हम हवातीन को जो है ना अपनी स्किन के हवाले से ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर आप सब मेरी बहनों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो आप काइंडली मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूला करें। मैं आप सबके प्यार की मुंतजिर रहती हूँ, आप सबके प्यार का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।